हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के 10 एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये सभी में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, तो ये वाला जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन विल शिफ्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू लेफ्ट। तो हाई पीएच और लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन पीसीओटू कॉन्सेंट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर फ्लो फ्रॉम द एटमोसफियर टू एल्वियोली ऑफ द लंग्स। तो इसमें से हमको करेक्ट वाला ढूंढना है, तो इसका आंसर हमको एक के बाद एक देखना पड़ेगा। तो पहला होता है एक्सटर्नल नेयर्स, दूसरा है नेजल कैविटी, फिर थर्ड होता है इंटरनल नेयर्स, फोर्थ होता है फेरिंग्स, फिर फिफ्थ होता है लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलर डक्ट और फिर एल्वियोलाई। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स। तो इसमें कोई एक पेयर की वर्ड है, बाकी तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। बोर्स इफेक्ट इज द फिनोमिनन इन विच लो पीएच ऑफ ब्लड इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन रिजल्ट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। आइए नेक्स्ट है नेक्स्ट वाला। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो यहाँ पे ये बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट डिफ्यूजेस थ्रू द मेम्ब्रेन पर मिनट प्रेशर डिफरेंस इन ऑफ 1 mm Hg is defined as diffusing capacity. दूसरा स्टेटमेंट है द हाइएस्ट PCO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउ द रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड इन टू द एल्वियोली। थर्ड है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज 20 टाइम्स फास्टर देन CO2 एंड दैट ऑफ CO2 इज 2 टाइम्स फास्टर देन नाइट्रोजन एट द पर्टिकुलर प्रेशर डिफरेंस। और फोर्थ है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज इम्पॉर्टेंट इन प्रमोटिंग CO2 ट्रांसपोर्ट एंड इट्स एक्सचेंज इन टिश्यूज एंड लंग्स। तो इसमें है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये है ऑप्शन, हमारा सही वाला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच लीड्स टू इरिवर्सिबल डिस्टेंशन एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोली ऑफ लंग इज एप्सीमिया। नेक्स्ट इज हैमबर्गर्स फिनोमिनन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड आयंस फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी। सो क्लोराइड आयंस फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी होगा, तो इधर एक ऑप्शन में फ्रॉम प्लाज्मा आएगा, तो फ्रॉम प्लाज्मा इंटू आर बी सी, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में प्लाज्मा पहले आएगा। द फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ERV + RV। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एल्वियोली एंड पल्मोनरी कैपिलरीज इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर कैपिलरीज इज 95 mmHg and the partial pressure of CO2 is 45 mmHg in deoxygenated blood, based on this identify the correct statement। तो यहाँ पे correct statement निकालना है, तो all of these are correct। The partial pressure of oxygen will be highest, that is 104 mmHg in alveoli, nitrogen, ये तीनों correct है और all of this इसका answer आएगा।
तो करेक्ट आंसर आएगा क्लोराइड आयंस फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी, दोनों ही एक जैसे हो गया था तो इसलिए। तो आई होप ये आपको क्विज यूजफुल रहेगा नीट की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।